नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर के बिहार बंद के दौरान काफी बवाल देखने को मिला है। राजधानी पटना में जो लेफ्ट के कार्यकर्ता है वो कारगिल चौक पर जमे हुए और यहाँ पुलिस से उनकी भिड़ंत हो रही है। उनका कहना है कि सरकार के सामने जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है और पुलिस प्रशासन जो है हमें आगे नहीं जाने दी जा रही है। क्या मामला है, पुलिस से क्यों उलझ गए? देखिए, पुलिस पिट्ठू बन गया है, खाकी वर्दी खादी के गुलाम बन गए। जब हमने पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला है वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से, तो जानबूझ के हम लोग को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैरियर बन रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं अलोकतांत्रिक ढंग से प्रोटेस्ट करने के लिए। हम एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अगर भड़काएंगे तो हम लोग वही करेंगे, हम डाक बंगला कुछ करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, रोक रही है जानबूझ के, उनके गुर्गे जो बुल्लू रंग में बैठे नहीं रही है। सरकार जो पुलिस है वो हम लोग को उकसा रही है एक तरीके से, वो कह रही है कि आपको नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट, ये हमारा जनवादी बताइए। हम लोग छोटे संख्या में हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट जा रहे हैं। उस दिन दानापुर में लोग कहाँ किस बिल में घुस गए थे, जब आरएसएस के गुर्गे भगवा गमछा बांध के मुंह में लाठी लेके मार रहा था, ये लोग कौन बिल में घुस गया था? नरेंद्र मोदी के बिल में घुस गया था। ये लोग दलाल है, 40-50 हज़ार सैलरी के लिए लोग अपना ईमान बेच चुका है। अगर देश के लिए सोचता तो दर्दी उतार के हम लोग साथ आंदोलन करता है। नहीं, ये लोग मंत्री का चापलूसी करने के लिए है, हम लोग की सुरक्षा के लिए नहीं है। अगर होता तो इतनी लड़कियों का रेप नहीं होता, क्राइम नहीं बढ़ता, इतनी चोरी हो रही है। पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, पुलिस के हर थानेदार और हर एसपी घुसखोर है। आइए, पुलिस हम लोग को वही करना चाह रही है। देखिए, पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं है, हम लोग उतरे हैं कि जो भी नौजवान को ठेकेदारी पे 4 साल की बहाली देके फिर बेरोजगार करने का जो साजिश है उसके तहत हम लोग घोषित बिहार बंद का विरोध करने निकले हैं। घोषित बिहार बंद के लिए हम लोग बिहार बंद कराने के लिए निकले हैं, लेकिन हम लोग का था कि हम लोग डाक बंगला चौराहा जाए, यहाँ पे पुलिस आके हम लोग को रोक रही है। हमारा मांग है, जब ट्रेन जल रहा था आप लोग कहाँ थे? जब छात्र आते हैं आप लोग भाग जाते हैं, और हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे हैं तो आप लोग हमको यहाँ रोक रहे हैं? हम पे आप बल प्रयोग कर रहे हैं, आप उनके साथ बल प्रयोग क्यों नहीं किए? हम तो मांग करते हैं, हम तमाम छात्र से आग्रह करते हैं कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन हम यह भी आग्रह करते हैं पुलिस से कि हम लोग को आगे जाने दीजिए, हम ही लोग हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना कि जो लेफ्ट के कार्यकर्ता है उनको पुलिस ने यहाँ कारगिल चौक पर रोक दिया है और ये लोग डाक बंगला जा रहे की जिद पर है। इनका कहना है कि बिहार बंद है तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये आह्वान किया था लोगों से आने के लिए, और यही मामला है कि छात्रों का जो है कि उन्हें अस्थायी नौकरी दी जाए। सरकार ने जो ऐलान किया था अग्निपथ योजना को लेकर के उसको लेकर के से ये आह्वान किया था लोगों से आने के लिए, और यही मामला है कि छात्रों का जो है कि उन्हें अस्थायी नौकरी दी जाए। सरकार ने जो ऐलान किया था अग्निपथ योजना को लेकर के उसको लेकर के रोष है और पुलिस के साथ यहाँ पर नोक झोंक भी हो रही है। पुलिस पर ये लोग आक्रोशित है कि पुलिस आगे नहीं जाने दी जा रही है, और ये बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि कल जो उपद्रव हुआ पूरे बिहार में ट्रेनों में आग लगाई गई उस वक्त पुलिस प्रशासन के लोग कहाँ थे, उस वक्त सुरक्षा घेरा कहाँ था, जबकि आज हम आजादाना तौर पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना चाह रहे हैं लेकिन हमें रोका जा रहा है। लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।